हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मोमोज। मोमोज सभी के फेवरेट होते हैं। जब मोमोज का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है, तो आज हम बहुत ही टेस्टी मार्केट जैसे मोमोज घर पर बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। साथ ही हम बनाएंगे रेड तीखी वाली मोमोज चटनी, वो भी बिना किसी फूड कलर के। तो चलिए हम मार्केट जैसे टेस्टी मोमोज और तीखी चटनी की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। टेस्टी मोमोज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मैंने लिया है पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और प्याज। एक शिमला मिर्च और एक प्याज मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है, और साथ ही मैंने पत्ता गोभी को कद्दूकस किया है, यहाँ पर ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर हमें सब्जियों को बहुत ही बारीक चॉप करना है, बहुत ही बारीक कट कर लेना है। जितना आपसे बने आप उतना बारीक इसको कट कर लीजिए, और नहीं तो सभी सब्जियों को बढ़िया से ग्रेट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम एक बर्तन लेंगे, इसमें हम सभी सब्जियों को डाल देंगे जितनी हमने बारीक चॉप कर ली हैं। अब इन सभी सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे हमारी सब्जियों का सारा पानी निकल जाएगा। अब हम इसे रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। अभी हमने दो बड़े साइज़ के टमाटर को इस तरह से कट कर लिया है, और यहाँ पर हम एक बर्तन में एक कप पानी गर्म कर लेंगे। इस गर्म पानी में हम सभी टमाटर जो कटे हुए हैं वो डाल देंगे। इसके साथ ही हम डालेंगे एक इंच का अदरक का टुकड़ा इस तरह से कट करके। साथ ही हम लहसुन डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे, एक चम्मच नमक डालेंगे। लगभग स्वाद अनुसार आपको इसमें नमक डालना है। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और इन्हें हम अच्छे से उबाल लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें हम एक कप मैदा लेंगे। हम यहाँ पर मोमोज़ का डो तैयार कर लेते हैं। तो एक कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका सख्त डो तैयार कर लेंगे। जिस तरह हम पूरी का आटा लगाते हैं उस तरह हमें इसे एकदम सख्त डो तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर बढ़िया से डो लग गया है। तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। इस तरह से हमने डो तैयार कर लिया है, 15 मिनट अब इसे रेस्ट पर रखते हैं। तो यहाँ मैंने एक कटोरी ली है, इसमें हम डालेंगे एक चम्मच कॉर्नफ्लोर, और थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो हमारा यहाँ इसका घोल बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर हमारे जो टमाटर हैं अच्छे से पक गए हैं, तो इसमें हम जो घोल बनाकर तैयार किए थे वो डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे, और फिर से हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे इसमें हल्का सा गाढ़ापन आ जाए। तो अब हम यहाँ पर स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो सब्जियों का पानी निकाल देते हैं यहाँ पर, इस तरह से हाथ में सब्जियों को लेकर के निचोड़ देंगे जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। इसकी जगह पर आप एक कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, उसमें आप सब्जियों को रख करके अच्छे से निचोड़ दीजिए, तो बहुत आसानी से इसका सारा पानी निकल जाएगा। तो मैंने इस तरह से सब्जियों का पानी निकाल दिया है। यहाँ पर हमारे जो टमाटर है अच्छे से पक गए हैं, हल्का सा गाढ़ापन इसमें आ गया है। तो यहाँ गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं हम। यहाँ पर सब्जियों का जो पानी निकला है इसका आप वेजिटेबल सूप बनाने में यूज़ कर सकते हैं, तो इसे हम बाद में देखते हैं। यहाँ पर हम स्टफिंग तैयार करते हैं। तो इस तरह से सभी सब्जियों का पानी निचोड़ने के बाद ये एकदम ड्राई हो गई हैं, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहा है। तो हम एक बार अच्छे से सभी सब्जियों को मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच लहसुन और एक चम्मच अदरक ग्रेट किया हुआ। मैंने इधर अदरक और लहसुन को कद्दूकस कर लिया था, इनको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं सब्जी में।
साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। तो मैंने यहाँ कुटी हुई काली मिर्च पाउडर लिया है, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। तो अब हम डो देख लेते हैं। तो डो बढ़िया से परफेक्ट अच्छे से सेट हो गया है। तो इसे हम हाथों से और अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथों से मसलते हुए हम इसे 1 से 2 मिनट एकदम चिकना कर लेंगे, एकदम सॉफ्ट कर लेंगे। इससे हमारे मोमोज बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। अब हम इसकी, तो यहाँ पर आटा अच्छे से चिकना हो गया है, तो हम इसकी लोइयाँ बना लेते हैं। तो हमें बहुत छोटे छोटे साइज की लोइयाँ रखनी हैं, जिस तरह मोमोज की जो ऊपर की लेयर रहती है उसी तरह से हम पतली पूरी बेल लेंगे इसकी, इसलिए हम छोटे साइज़ की लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से सभी लोइयाँ बना ली है मैंने। तो एक हम लोई लेंगे और इस पर हम मैदा लगा लेंगे और इसको हम बेलेंगे। हमें इसे पूरी के साइज़ में बेलना है, पर हम पूरी से पतला इसे रखेंगे। जिस तरह से मोमोज की ऊपर से लेयर रहती है उसी तरह से हम उतना ही पतला इसे रखेंगे। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो इस तरह से बीच में हम 1 चम्मच स्टफिंग रखेंगे और चारों तरफ से हम पानी लगा लेंगे हल्का सा इसमें, जिससे ये अच्छे से पैक हो जाएं। अब हम इन्हें एक साइड से उठाते हुए प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह से हम हाथों से उठाते हुए एक एक प्लेट बनाते जाएंगे। आधे साइड से हमें इसकी प्लेट बना लेनी है और आधे साइड से हम ऐसे ही इसको पैक कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा मोमोज बनके तैयार है। तो चलिए मैं आपको एक और डिज़ाइन में मोमोज पैक करके बताती हूँ। यहाँ पर हम वापस से पूरी बेल लेंगे और इसमें हम 1 चम्मच स्टफिंग रखेंगे और हल्का सा पानी चारों तरफ लगा लेंगे। एक साइड से हम इस तरह उठाते हुए इसकी प्लेट बनाएंगे। तो चारों तरफ हम इसे हल्के हाथों से घुमाते हुए इसकी एक एक प्लेट बना लेंगे, जिससे सब तरह से पैक हो जाए। तो यहाँ से ये चारों तरफ से प्लेट्स बन गई हैं, तो हम इसे बीच में से भी पैक कर देते हैं। इस तरह से हम हल्के हाथों से घुमाते हुए इसको पैक कर देंगे, हल्का सा हम दबाते हुए इसे पैक कर देंगे। तो ये लीजिए, हमारी दूसरी डिज़ाइन का मोमोज़ भी बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह हम सभी मोमोज़ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे मोमोज़ बन गए हैं। अब हम इनको कर लेते हैं स्टीम। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से एक प्लेट ली है, इसमें हम मोमोज़ को स्टीम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल करके इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और जितने भी एक बार में मोमोज बनते हैं मैं इस प्लेट में उतने मोमोज रख दूंगी। तो यहाँ पर 6 से 7 ही मोमोज इस प्लेट में बने हुए हैं, तो हम एक बार में इतने ही स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस भगोने में 2 गिलास पानी डाल करके अच्छे से पानी को गर्म कर लिया है। एक इसमें इस तरह से स्टैंड लगा लिया है और अब ये प्लेट हम इस पे स्टैंड पर रख देंगे और हल्का सा ऑयल से हम सभी मोमोज को ग्रीस कर देंगे। हल्का सा ऑयल हम मोमोज पर लगा देंगे। जिससे हमारे मोमोज एकदम मार्केट की तरह दिखेंगे, तो इसलिए हम इसमें हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे और अब हम इन्हें ढक्कन से ढक देंगे और 15 से 20 मिनट स्टीम होने देंगे। तो जब तक हमारे मोमोज स्टीम हो रहे हैं, हम यहाँ पर हमारी चटनी बना लेते हैं। तो ये टमाटर बढ़िया से ठंडे हो गए हैं, तो एक मिक्सर जार में डाल करके इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से हमारी चटनी पीस गई है, तो एक बड़े से बॉल में निकाल लेते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल और साथ ही हम डालेंगे 2 चम्मच टोमेटो केचप और इसको हम मिक्स करेंगे। ऑयल से इसमें एकदम मार्केट जैसी चटनी में जो शाइन होती है उस तरह से चमक आ जाएगी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कलरफुल हमारी ये चटनी बन जाएगी। तो बहुत ही टेस्टी हमारी ये
मोमोज तीखी वाली चटनी बनकर तैयार है। तो हम मोमोज देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे मोमोज बढ़िया से स्टीम हो गए हैं, तो हम इस प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट मार्केट जैसे मोमोज बन गए हैं, देखने में भी एकदम मार्केट जैसे दिख रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने सर्व कर दिया है। तो ये लीजिए बहुत ही टेस्टी तीखी चटपटी चटनी के साथ हमारे मोमोज बनकर तैयार हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आज की ये मोमोज की रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।